हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा आफ्टर इफेक्ट का टॉपिक है कि हम एक अच्छा सा यूनिक सा डिजाइन आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत ही इजी वे के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें शायद कोई भी प्लगइन्स हो या थर्ड पार्टी किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हम यूज करेंगे आपका अपना फेवरेट आफ्टर इफेक्ट एंड फोटोशॉप। तो जो वीडियो पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और प्लीज यार कमेंट किया करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होते हैं, तो हमारा मोटिव रहेगा कि हम लोग आपके जो है वो कमेंट्स को पूरा करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। तो यहाँ हमारा है आफ्टर इफेक्ट ओपन। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ न्यू कॉम्पोजिशंस। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक जो है जो हमारा एलईडी वॉल होता है वो 4.8 का मैं रेफरेंस ले रहा हूं, जिसके अंदर मैंने 15 पिक्सल जो 15 कैबिनेट्स है उसकी विड्थ की है। तो 120 × 15 आप करेंगे तो आपका बनेगा 800, एंड हाइट मैंने की है 720। तो देन इसको हिट ओके। तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब मैं यहां पे जाता हूं और यहाँ स्ट्रोक को करता हूं थोड़ा सा रेड इस टाइप से, एंड इसको मैं करता हूं 20 पिक्सल्स। ठीक है, राइट, एंड डबल क्लिक हियर। यहाँ डबल क्लिक किया और यहां पर अब आएंगे तो ऐड पे ऑफसेट पाथ पे जाएं। ऑफसेट पाथ पे जाने के बाद यहां पर आप जस्ट, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि इस 20 का हाफ करते हैं, तो यहाँ पर लेकिन करें माइनस में, -10 करते हैं। तो जैसे -10 करेंगे तो आपके पास ये जो है वो 20 पिक्सल का प्रॉपर आपके पास साइज बन के आ जाएगा इस टाइप से। एंड देन इसके पास Ctrl D दो बार करें और इसकी दो कॉपीज बना लें। तो दो कॉपीज बनाने के बाद जो सेकंड कॉपी है सेंटर वाली पे, उस पर क्लिक करें एंड इसका कलर चेंज कर दें रेड टू ब्लैक। ओके, एंड जो पिक्सल्स हैं वो हम लोग कर देते हैं इसके 16। ठीक है, तो अब बात आती है तीसरे नंबर लेयर पे। इस तीसरे नंबर लेयर को हम लोग क्लिक करते हैं, देन उसके बाद में हम जाते हैं कलर्स के अंदर। कलर्स के अंदर जाएंगे तो कलर में हम लोग करेंगे इसको व्हाइट इस टाइप से। ठीक है, एंड इसको करते हैं हम लोग 6 पिक्सल का राइटेस्ट। तो अब देखेंगे कि हमारे पास क्या बन गया है। हमारे पास लेफ्ट और जो है वो कॉर्नर है वो बॉर्डर बन गया है, एंड उसके बाद में हम लोग हमारा जो है ये सेंटर के अंदर व्हाइट स्क्रीन्स आ गई है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ शेप लेयर्स पे, कंटेंट पे, रेक्टेंगल पे एंड स्ट्रोक के अंदर। यहां पर मैं इसको राउंड कैप करता हूँ और इसको राउंड ज्वाइन करता हूँ। देन डैशेस पे चले जाते हैं, डैशेस पे क्लिक किया। आप चाहे तो इसी सेम डैशेज को रख सकते हैं। अगर आप इसके बीच में गैप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 15 पिक्सल कर लें इस टाइप से, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पर इम्प्रेस जो है ऑफसेट है इसका हम लोग लगाते हैं की फ्रेम। तो मैं सिंपली ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करता हूं और यहां पर अपना इंप्रेशन टाइप करते हैं। इंप्रेशन टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंप्रेशन टाइप करने के लिए टाइप करना पड़ेगा TIME टाइम, फिर आपका स्टार एंड आप करें -100। ठीक है, तो ये आपने यहां पर टाइप करना है एंड कहीं भी आप क्लिक कर दें और फिर आप देखेंगे कि ये इस आपका जो है वो रनिंग बन जाएगा, राइट। तो वो ट्रेन पथ वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं। तो ये यहाँ का इम्प्रेशन है। आप इसकी अगर स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ 100 की जगह 200 या 150 या 250 XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं, देन ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोजिशन लेता हूँ। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है और इस बार कंपोजिशन मैं लेता हूँ ओनली 4 कैबिनेट्स की, मतलब 4 कैबिनेट्स का बना 480 एंड 480, राइट, एंड इसको हिट ओके। तो यहां पर मेरे पास कंपोजिशन बन गई 480 × 480 की। ठीक है, तो सिंपल हमने सेम प्रोसीजर वही करना है, सेम टू सेम करना है। और यहां पर रेड किया, ओके किया, एंड इसको किया मैंने 20 पिक्सल्स। ठीक है, और
इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही यहां पर मेरे पास जो है वो ये आ गया। यहां पर से मैं इसके ऑफसेट पर यहां पे ऐड करता हूं। ऑफसेट पर की वैल्यूज जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस उसकी हाफ कर दें आप इस टाइप से, तो आपके पास पूरा का पूरा इस टाइप से आ जाएगा। कंट्रोल डी करके दो बार आप इसकी दो डुप्लीकेट लेयर बना लें। सेकेंड लेयर पे जाएं एंड इसका कलर आप करें जेड ब्लैक, ओके। एंड इसकी जो पिक्सल साइज है वो 16 कर दें। अब आप बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो इसका जो कलर है वो कर दें आप पूरा का पूरा व्हाइट इट साइड से, एंड इसकी जो वैल्यूज है वो आप 6 रख लें। तो आपके सामने सेम टू सेम वही आ गया है। तो अब तीन नंबर लेयर को मैं ओपन करता हूं और कंटेंट में रेक्टेंगल में स्टॉक के अंदर, एंड यहां से मैं राउंड कैप एंड राउंड चेन, और यहां पर आप इसकी जो है वैल्यू सेम रखना जो पहले वाले की रखी है, सेम वही वैल्यू इसकी भी रखें आप 15। और ऑफसेट पे आप ऑल्ट के साथ में यहां पे प्रेस करेंगे तो यहां पर आपने वही इंप्रेशन डायल कर प्रेस करना है स्टार और -100, ठीक है, जो आपने पहले किया था। देन इस टाइप से रनिंग हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम लोग बनाते हैं अभी तीसरी कंपोजिशन। तीसरी कंपोजिशन बनाने के लिए मुझे टोटल चाहिए कि जितनी कैबिनेट मैंने स्टार्टिंग वाली पहली कंपोजिशन बनाई थी, सेम वही कंपोजिशन मैं इसमें भी बनाता हूं। तो 1800 एंड 720, ठीक है। तो ये वही कंपोजिशन है जिसमें 15 कैबिनेट्स आपकी विथ के अंदर है एंड जो आपका है वो 6 कैबिनेट आपकी हाइट के अंदर है। देन इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर क्या डालते हैं, यहां पर कंपोजिशन 1 जो है मेरी वो मैं इस टाइप से ड्रैग कर दिया, और उसके बाद में जो है जो कंपोजिशन जो 2 है वो यहां से मैं कंपोजिशन 2 जो है वो मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। तो मेरे पास ये जो आपका रेक्टेंगल यहाँ से आ गया है, तो सिंपली रेक्टेंगल पे मैं सेलेक्ट किया एंड आर प्रेस किया, तो यहां से मैं क्या करता हूँ इसको 45 डिग्री के पे इस टाइप से 45 डिग्री पे इसको रोटेट करता हूँ, राइट। देन उसके बाद ये आपका क्या होगा, ये आपका सेंटर का मेन कर दो आप इसको, ठीक है, MAIN मेन, ठीक है। तो मेन किया, अब इसमें क्या करते हैं इसकी कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल डी करके मैंने कॉपी की एंड शिफ्ट के साथ में इसको इस साइड से कर दिया, राइट, ठीक है। और फिर आप इसको एक कॉपी और करें और इसके साथ में यहां पे लेके आइए, राइट। तो आपके पास ये 2 कॉपीज होगी। अब ध्यान रखें कि जो मेन वाली कॉपी है इसको आप सबसे ऊपर रखें, ठीक है। सबसे ऊपर रखने का मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रीजन था, क्यों रखा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो है वो ये वाली जो है सेकंड नंबर या थर्ड नंबर ये है, थर्ड नंबर को मैं कंट्रोल डी करता हूं और शिफ्ट के साथ में इसको ऊपर लेके चलते हैं कुछ ऐसा, और ठीक है। तो ध्यान रहे कि इनके बीच के अंदर जो गैप है हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और ये यहां से एज मिलना चाहिए, ओके। तो इसी को हम लोग कंट्रोल डी करते हैं और शिफ्ट के साथ में नीचे लेके आते हैं स्टेप से, ठीक है, डन, ओके। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट और राइट का। अभी क्या करता हूं मैं, सेंटर वाली जो मेन है वो इसको करता हूं। तो इसको मैंने किया कंट्रोल डी और इसको भी मैं यहां पे एडजस्ट करता हूं। तो ये आप पूरा प्रॉपर तरीके से सेंटर देख लें एंड ये भी देख लें कि सभी जो है इनका गैप बराबर आ रहा है, ठीक है, डन, ओके। एंड अभी इसको फिर कंट्रोल डी करें एंड आपको इसको नीचे लेके आए,
डन एंड इसको कंट्रोल डी करें तो इसकी काफी लेयर्स बन जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपके लेयर बन गई। फिर इसको कंट्रोल डी करें एंड इसको ऊपर भी आप ले जाएं। इस टाइप से ओके एंड फिर उसके बाद इसको करें कंट्रोल डी एंड आप ले चले इसको इसको अदर में। इस टाइप से राइट एंड फिर कंट्रोल डी करें एंड इसको आप नीचे की साइज में लेके आए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ डिजाइन ही इस टाइप का है। ठीक है, तो आप हमारा ये जो रेडी हो, लेकिन अब भी अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट दिखाऊं तो आपको दिखाएगा कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। बट हम लोग चाहते हैं कि कुछ जगह पे हम लोग इसको ब्लैक करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा। ये दो जो है अंदर जो आपके सामने नजर आ रहे हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो इनको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा कि मैंने इनसे लिया जो है वो इन सबको प्रीकंपोज कर दिया, इस टाइप से प्रीकंपोज कर दिया राइट। देन अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं पेन टूल लेता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे सिलेक्शन होना चाहिए, जो आप जिस लेयर को पे मास्किंग कर रहे हैं उस लेयर पे का सिलेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा तो ये देखिए आपका जो है वो शेप लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे करते हैं थोड़ा सा जूम इस टाइप से, और जूम करके मुझे ये पार्ट रिमूव करना है यहां से। तो मैं सिंपली यहां पे लेता हूं इसका मास्किंग ओके, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं इस टाइप से। लाइक दिस ठीक है, और यहां जाते हैं हम लोग मास्क के अंदर और चेकआउट करता हूं डन ओके। देन इसको फिर दोबारा हम लोग प्री कंपोज करते हैं इस टाइप से डन, और ये जो इसका ये वाला पार्ट है इसके भी रिमूव करता हूं कुछ इस टाइप से। तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ डिजाइन बनाने में इन्हें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, लेकिन बनाएं जरा प्यार से, क्योंकि ठीक है यहां से हो गया ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब ये ट्रांसपेरेंट है पूरा का पूरा। अब दो बातें इसके अंदर हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसका कलर चेंज। तो कलर चेंज करने के लिए अगर मैं इसके ऊपर कंपोजिशन के ऊपर अगर मैं कलर डालता हूं तो ये इफेक्टेड नहीं करेगा, बिकॉज इसके जो व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं इसके नीचे भी हमने ब्लैक कलर दिया है, तो उसका भी कलर में भी शायद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां से नहीं करेंगे। हमने जो कंपोजिशन वन और कंपोजिशन टू बनाई है इसके अंदर हमारी लेयर्स हैं, तो इन लेयर्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाता हूं, तो सबसे पहले मैं करता हूं अपना ग्रेडियंट रैंप। ठीक है, तो मैं ये अप्लाई कर देता हूं सभी लेयर्स पे, ये फर्स्ट वाली लेयर पे एंड उसके बाद में कहां भाई इफेक्ट एंड, और उसके बाद में ये थर्ड वाली लेयर पर, दोनों पे हो गया, इस पे भी हो गया एंड इस पे भी हो गया राइट। और हम लोग कंपोजिशन टू पे भी इसको अप्लाई कर लेते हैं यहां पर भी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। यहां से भी अप्लाई किया एंड उसके बाद जो है वो यहां पर भी अप्लाई किया। ठीक है, तो चारों की चारों की लेयर पे हमने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद में यहां पर आप चाहें COLORAMA कलरोमा, ठीक है, इसके ऊपर जाएं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, सबसे पहले करें आप उसके ऊपर एंड फिर लेयर वन पे, तो दोनों पे हमने ट्रैक कर दिया। अब सबसे पहले यहां पर जाएं इनपुट्स के अंदर, यहां पर फेस वन में जाएं एंड इसको यहां पर आप 1 2 3 जो भी करना चाहें कर सकते हैं, 1 1 कर दें राइट। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर कलर के अंदर जाएं, कलर के अंदर जाने के बाद में जो है वो आप यहां से इसको गोल्डन कर दें। ठीक
ठीक है, तो ये आउटर आपका पूरा का पूरा गोल्डन हो गया है। अब चलें 3 नंबर लेयर पे। 3 नंबर लेयर पे जाने के में यहां से नहीं सॉरी यहां से 3 नंबर लेयर पे हम लोग चले गए, और 3 नंबर लेयर पर हमने क्या करना है, 1 नंबर लेयर पे हमने शायद इसको नहीं किया, या 3 पे नहीं किया, 1 पे किया। हाँ राइट, तो 3 पे जाएंगे, फेस पे जाएंगे यहां से, और यहां पर आप इसको 1 कर देंगे। ओके, देन इसके आउटपुट में, यहां पर जाएंगे हम तो गोल्डन के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये टाइप से गोल्डन हो गया। इसके सर्कल बढ़ा दें अबाउट 4 5, जैसे मैं 5 करता हूँ तो 5 सर्कल बढ़ा दें आप। लेकिन अभी एक चीज नोट कर रहे हैं आप, वहां पर आप देखेंगे दोनों साइड में तो लाइंस क्लियर आ रही है, लेकिन यहां पर एक सिंपल लाइन, उसके लिए क्या करेंगे कि शेप नंबर इसमें जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा ये है, ये जो आप यहाँ नजर आ रहा है ना, इसको कॉर्नर पे लेके जाएंगे। यहां से कॉर्नर पे आ गया, और जो नीचे वाला यहाँ इसके नीचे है उसको इस कॉर्नर पे लेके आएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा जो है वो चारों जाएंगे, ये देखेंगे चारों जो बॉर्डर है वो सिमिलर बन गया। राइट, तो सेम वर्क हम लोग करते हैं जो है सेंटर वाली लाइन पे, इसी पे भी। तो इसको हमने पहले इसके ऊपर शेप लेयर्स डाला, ग्रेडियंट रैंप डाला, और उसके बाद में इसके ऊपर भी हम लोग कलर डालते हैं, और एक 3 नंबर पे भी कलर डालते हैं। राइट, इसे तो पहले इस पे कर लेते हैं, और इसका आउटपुट शेप्स यहां से जाएंगे, यहां पर इसे 1 प्रेस कर देंगे, देन ये आपका हो गया। एंड आउटपुट में जाकर आप इसे गोल्डन पे चले जाएं। ठीक है, तो ये आपका जो बॉर्डर है वो गोल्डन बन चुका है। उसके बाद में आप जाएं 3 नंबर लेयर्स में। 3 नंबर लेयर में इनपुट्स में जाते हैं, एंड फेस पे यहाँ पे नहीं लगाएंगे इसको, इसका जो है टाइमलाइन 0 पे होनी चाहिए। यहां से हम लोग इसको प्ले करके आप इस पे लगा सकते हैं 1। राइट, तो ये हमारा ये हो गया। एंड उसके बाद आउटपुट सर्कल्स, यहां पर आपने क्या करना है, सेम वैल्यू रखनी है 5 की, और यहां से आपने नन पे जाना है, और यहाँ पे गोल्डन पे करना है। तब तो गोल्डन हो गया, लेकिन अभी ध्यान रखें लेफ्ट और राइट के अंदर तो आपकी लाइंस आ रही है, लेकिन कहाँ नहीं आ रही है, ऊपर और नीचे नहीं आ रही है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है वो इस डॉट्स को साइड में लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, और इस वाले को लेके आना पड़ेगा इस साइड पे, इस साइड से, इस टाइप से। राइट, तो हमारा चारों तरफ जो है वो सिमिलर बन चुका है इस टाइप से, और मैं इसको ये देखिए। ठीक है, अब हम जब दोनों कलर पे हमने चेंज कर दिया है, अब जाते हैं हम फाइनल कंपोजिशन पे। तो फाइनल कंपोजिशन पे जाएंगे तो जैसे क्या होगा, हमारा जो कलर हमने दूसरी कंपोजिशन पे चेंज किया है वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया यहाँ का। अब बात करते हैं, इसमें एक काम और करना पड़ेगा हमें कि कहीं कहीं पर आप जब देखेंगे यहां से हम लोग देखते हैं, तो कहीं कहीं पे आपको ये जो है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको व्हाइट या सॉरी ब्लैक करना है। तो ब्लैक कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा यहां से कंपोजिशन में जाते हैं, सेव फ्रेम एज फोटोशॉप लेयर, ये हमने यहां से फोटोशॉप लेयर का जो है वो सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूं, और किसी भी नाम से कर देते हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी के नाम से सेव कर दिया मैंने इसको यहां पे। ओके, तो ये थोड़ी देर के लिए सेव हो जाता है इस टाइप से, और उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसको जो है वो ये फाइल को फोटोशॉप के अंदर, जो पीएसडी फाइल है आपकी, फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं। तो जैसे ही फोटोशॉप के अंदर इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास उसकी जो है वो पीएनजी, वो सॉरी पीएसडी फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता हैवी फाइल्स में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे फाइल्स यहां पर ओपन हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर एक नई लेयर बनानी है, नई लेयर बनाकर उसको सबसे नीचे लेके आना है, देन उसके बाद में यहां पर आप चेक करेंगे यहां ब्लैक है होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस पे क्लिक करें, आपके पास कलर की विंडो ओपन हो जाएगी, यहां से आप ब्लैक सेलेक्ट करें, देन ओके, और यहां से आप
अल्ट डिलीट प्रेस कर दी, तो अल्ट डिलीट प्रेस करते ही आपका जो है जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा सारा का सारा। अब आप सभी लेयर्स को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लें एंड राइट क्लिक करें और मर्ज लेयर पे जाएं, तो आपकी जो लेयर है वो मर्ज हो चुकी है। अब यहां पर जो जो पार्ट मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए वो पार्ट में सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे मुझे ये चाहिए तो ये पार्ट पे मैंने क्लिक किया, यहां से जो मैजिक वन टूल है वो लेके सिलेक्ट किया एंड इनवर्स किया एंड यहां से हमने इसको चेकआउट किया। और उसके बाद मान लो ये भी चाहिए मुझे, तो सिंपल इस पे क्लिक किया एंड डिलीट कर दिया। ठीक है, सिंपल इस पे किया एंड डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी, और यहां से मैंने इसको लिया। ठीक है, और यहां पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया, यहां क्लिक किया एंड डिलीट कर दिया, सिंपल एंड कंट्रोल डी किया। तो मुझे ये पार्ट्स क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए थे, ओके। और सिंपल मैं यहां पर जाकर इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, यहां पर मैं करूंगा इसे पीएनजी सेव, और ये किसी नाम से ही कर सकते हो, ये इसका एबीसीएस मास्क के नाम से आप सेव कर लें इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही एंड सेव, ओके। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया। देन उसके बाद एबीसी मास्क को आप उठाएं और सिंपली आप आफ्टर इफेक्ट में जो सबसे नीचे कंपोजिशन है, ये जो कंपनी इनके सबसे नीचे वाले में ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करेंगे उसके बाद ये जो देखेंगे वो पूरा का पूरा ये जो तीन पार्ट हैं जो आपके ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पार्ट भी आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं ये भी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो आप फोटोशॉप में इनको भी ट्रांसपेरेंट कर लें, देन आपके सामने सिर्फ ये जो बीच के अंदर गैप बचता है ब्लैक वाला, यही आपका ब्लैक रहेगा, अदरवाइज सारा का सारा आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस काफी देखते हैं बट मैक्सिमम 70% लोगों ने चैनल जो है वो सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं कि ऐसी कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज यार इसको इस पर प्रैक्टिस जरूर करें, अगर आप कुछ वाकई सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।